बड़ी खबर है। हाथरस मामले में एसआईटी जांच पर ही बड़ी खबर। एसआईटी की टीम 10 दिनों का समय और मिल गया है। एसआईटी की टीम को 10 दिन और मिल गए हैं और अब 10 दिनों की जांच के बाद रिपोर्ट सौंपी जाएगी। आज रिपोर्ट सौंपी जानी थी लेकिन कुछ वक्त और दे दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अब 10 दिनों के बाद रिपोर्ट सौंपी जाएगी। हाथरस कांड पर मुख्यमंत्री ने एसआईटी जांच के आदेश दिए थे। एसआईटी की जांच का दायरा बढ़ाया गया है। प्रमुख सचिव गृह की तरफ से मुख्यमंत्री के निर्देश पर 10 दिन का अतिरिक्त समय एसआईटी को दिया गया। अब एसआईटी को अतिरिक्त वक्त देना, इसके ये मायने भी निकाले जा रहे हैं कि जितना एक पक्षीय मामला दिखाई दे रहा था, यानी कि पूरी की तरह चीजें एक फेवर में दिखाई दे रही थी पीड़ित पक्ष में, शायद एसआईटी को वो नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो शायद 7 दिन के भीतर रिपोर्ट आ जाती। लेकिन 10 दिन का और वक्त देना, यानी कि मामले में कुछ ऐसी पेचीदगियां हैं जो अभी निकलने बाकी है। हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा लखनऊ से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए, तो नितिन उपाध्याय हाथरस से हमारे साथ जुड़े। मैं नितिन के पास जाऊं, उससे पहले शैलेश आपके पास आना चाहता हूं कि जब पहले तय था कि 7 दिन के भीतर आपको रिपोर्ट देनी है, तुरंत देनी है, जांच करनी है, क्या जांच पूरी नहीं की एसआईटी ने? क्या एसआईटी की तरफ से मांग की गई थी कि हमें और वक्त चाहिए, हमें थोड़ा सा और वक्त दो, या कुछ ऐसा है जो एसआईटी को लग रहा है कि इसमें और वक्त की जरूरत है तो 10 दिन का और वक्त मांगा? बिल्कुल निश्चित रूप से एसआईटी ने कल तक जो अपनी जांच की थी उसके बाद मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव गृह से बातचीत हुई और उसमें ये निकल कर सामने आया। एसआईटी ने बताया कि अभी इस पूरी घटना में कई और एंगल हैं जिनकी जांच होना बाकी है, वहां पर कुछ और लोगों से पूछताछ करना बाकी है, क्योंकि अभी तक जो पीड़ित परिवार की बातें सामने आई हैं या बाकी जिन लोगों से पूछताछ एसआईटी ने की है उसमें कई अभी भी विरोधाभास है सूत्रों की माने तो। इसी वजह से एसआईटी को ये लगा कि अगर इस मामले की और गहनता से जांच की जाएगी तो कई और फैक्ट्स निकलकर सामने आएंगे। यही वजह देखिए, क्योंकि सीबीआई जाँच के लिए संस्तुति जरूर की गई है लेकिन उसमें वक्त लगेगा। सरकार भी चाहती है कि जल्द से जल्द जो सच्चाई है वो सामने आए और यही वजह है शायद कि एसआईटी की मांग पर 10 दिन का वक्त और दिया गया है। अगर ये 10 दिन का वक्त और नहीं दिया जाता तो आज एसआईटी को अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन अब 10 दिन का वक्त और दिया गया है और इसके बाद एसआईटी जो है अब वहां पर कई और लोगों से, तमाम लोगों से पूछताछ करेगी और जो बयान एक पार्टी की तरफ से आ रहे हैं उसे दूसरी जगह से क्रॉस चेक किया जाएगा। किन परिस्थितियों में वहां पर ऐसे हालात पैदा हुए, इन सारे पहलुओं की जांच होगी। तो विस्तृत और गहन जांच के लिए 10 दिन का समय एसआईटी को दिया गया है और यह दावा किया जा रहा है कि एसआईटी जब 10 दिन के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपेगी तो वो पूरी डिटेल ऐसी रिपोर्ट होगी जिसमें कुछ भी छुपा नहीं रहेगा, हर फैक्ट सामने होगा, हर तथ्य जो है वो सामने आ जाएगा। देखिए, जो हाथरस की घटना हुई है उसमें अगर हम शुरू से सिलसिलेवार क्रम में अभी तक देखें तो कई मोड़ आए हैं। पहले हाथरस में जिस तरह से रेप पीड़िता का डेथ होती है, उसके बाद उस जिस तरह से उसके शव का अंतिम संस्कार किया जाता है, विवाद उठता है, मीडिया की एंट्री रोकी जाती है, विपक्षी जो पॉलिटिकल लोग हैं या नॉन पॉलिटिकल भी जो आम आदमी है उसकी एंट्री वहां पर रोक दी जाती है जिसे लेकर हंगामा होता है। मुख्यमंत्री उनके घर वाले जो हैं, जो पीड़िता के घर वाले, उनके अलग अलग बयान आते हैं। एक वो बयान जो मीडिया के सामने दिया जाता है, एक वो बयान जो पुलिस अधिकारी या जिला प्रशासन या बाकी लोगों की तरफ से जो सामने आना बाकी है। शैलेश, मैं लौट रहा हूँ आपके पास, एक बार हाथरस का रुख कर लेते हैं। नितिन हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। नितिन, एसआईटी ने वक्त की मांग की है, इससे एक बात तो स्पष्ट है कि बहुत कुछ अभी जांचना है एसआईटी की टीम को, जो इन 7 दिनों के भीतर वो जांच नहीं पाए हैं। तो अब एसआईटी की टीम क्या क्या करेगी? अभी वो कौन कौन से एंगल है जिन पर बात करनी है, पूछताछ करनी है? क्या आरोपी पक्ष से भी बात कर सकती है एसआईटी, उनसे भी पूछताछ कर सकती है या अब तक की जा चुकी है? क्या क्यों वक्त मांगा है एसआईटी की टीम ने? आपके सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं? देखिए राजीव जी, बिल्कुल। देखिए, अगर वक्त मांग रहे हैं इसका मतलब क्या है कि जिस तरह से जो थ्योरी पेश की गई है या जिस तरह से जो नज़र आ रहा है उस नज़र के पीछे भी एक दूसरी थ्योरी है। और कुल मिला के जिस तरह से 1 तारीख को ही एबीपी गंगा ने हाथरस से, मैंने ही कह दिया था कि पुलिस इस पूरे प्रकरण में ओनर किलिंग यानी अपने ही परिजनों द्वारा लड़की को मारने की थ्योरी पर भी जांच कर रही है। और जिस तरह से जो जानकारी लखनऊ से निकल कर आ रही है एसआईटी के थ्रू कि 104 बार फ़ोन कॉल हुआ है नवंबर 2019 से लेकर मार्च 2020 तक, और उस फ़ोन कॉल में लगातार जो मृतका है उसके भाई पर और संदीप के बीच बात हो रही है, यानी वो फ़ोन जरूर उसका रहा होगा भाई का, लेकिन कौन बात कर रहा है ये बहुत अंडरस्टूड है। तो कुल मिला के कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं अभी तक भावनाओं में बह रही थी और यही वजह है कि जब अब तथ्य सामने आ रहे हैं और इमोशंस दूसरी तरफ रह रहे हैं
तो यही वजह है कि कई सारी चीज़ें हैं। दूसरी तरफ दूसरा आरोपी पक्ष की तरफ भी लोग लामबंद हो रहे हैं, गांव वाले खड़े हुए हैं, और जिस तरह से सरकार को भी लग रहा है, यही वजह है कि सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। और अब इस पूरे प्रकरण में जिस तरह से कहा जा रहा है कि कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पुख्ता हैं, एक दूसरे को सब लोग जो लड़की है और जो मृतका है और जो आरोपी है एक दूसरे को जान पहचान रहे थे, जो गाँव वाले कह रहे हैं, इन चीज़ों को झुठलाया नहीं जा सकता, दरकिनार नहीं किया जा सकता। और यही वजह है कि अब इस पूरे मामले में 10 दिन का समय एसआईटी को और दिया गया है। एसआईटी हर पहलू से जांच कर रही है। करीब 100 लोगों से एसआईटी ने इस मामले में जांच की है, जिसमें जो पीड़ित पक्ष है उससे भी बात की है, जो आरोपी पक्ष है उससे भी बात की है, इसके साथ ही हाथरस के जो बूलगढ़ी गाँव है उससे भी बात की है। और अब जब 10 दिन का समय एसआईटी को दे दिया गया है तो और जो पड़ोसी गाँव है वहाँ के लोगों से भी बात करेगी। और इसके साथ ही जो तमाम जो रिपोर्ट्स हैं उसका कंक्लूजन क्या है, इसके साथ ही जो पुलिसकर्मी जिन्होंने पहले दिन से इस घटना को डील किया है, उन सारे चीज़ों को तमाम एंगल्स पर जांच कर रही है। और ऐसे में अब लग रहा है 10 दिन का समय एसआईटी को दिया गया है, क्योंकि आज 7 तारीख हो गई, 30 तारीख को जब ये घटना बहुत ज़्यादा पीक पकड़ रही थी उस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 7 दिन का समय दिया था। 30 तारीख को ही बूढ़गढ़ी गाँव एसआईटी की टीम पहुँच गई थी, और कल भी वो एसआईटी की टीम जहाँ जिस तरह से गैंगरेप की बात सामने आ रही है वहाँ एसआईटी की टीम गई, जहाँ अंतिम संस्कार किया गया वहाँ एसआईटी की टीम गई। अब 10 दिन का समय दिया जाना, आप समझ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल, आप नजर बनाए रखें नितिन, क्योंकि खबर बहुत महत्वपूर्ण है और हम आगे भी आपके पास आएंगे अपडेट्स के लिए। शैलेश, आप हमारे साथ बने रहें। तो संवेदनाएं नहीं, सिर्फ इस मामले में